इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो आज नया मिशन लॉन्च करने वाला है। थोड़ी देर में इसरो एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पीएसएलवी C56 को 6 सह यात्री उपग्रहों के साथ श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। पीएसएलवी C56 सिंगापुर की DSTA और ST इंजीनियरिंग के DSSAR उपग्रह को लेकर भी अंतरिक्ष में जाएगा। इस उपग्रह का उपयोग सिंगापुर की जांच एजेंसियों की सैटेलाइट इमेजिनरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसरो का नया मिशन लॉन्च होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर में 7 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जाएगी। देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मैच 12 सेकेंड अब बाकी रह गए हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये तस्वीर। 7 6 5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकेंड लिफ्ट ऑफ नॉर्मल एंड वी हैव अ लिफ्ट ऑफ द पीएसएलवी C56 फर्स्ट स्टेज बर्निंग ब्राइट एंड द थ्रस्ट इज रिपोर्टेड टू बी नॉर्मल। जी हाँ, अभी अभी आपने देखा पीएसएलवी C56 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से, और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा से, और ये ऐतिहासिक तस्वीर है इस वक्त की, क्योंकि भारत सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 और उपग्रहों को पीएसएलवी C56 के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है। और ये जो प्रथम चरण है उसका सफलतापूर्वक यहाँ पर उसे पूरा कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि ये पीएसएलवी की 58वीं उड़ान है। और इस वक्त ये बड़ी खबर और तस्वीर के जरिए हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। दरअसल DSSAR उपग्रह को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत डेवलप किया गया है। सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह से जो तस्वीरें मिलेंगी उससे संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया जाएगा। और यहां पर इसकी सफल लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है। श्रीहरिकोटा से इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ST इंजीनियरिंग दरअसल अपने कमर्शियल कस्टमर्स को मल्टी मॉडल और हाई क्वालिटी तस्वीरें और जियो स्टेशनरी सर्विस मुहैया कराने के लिए इसका प्रयोग करेगा, इसे डेवलप करेगा। और ऐसे में 7 सैटेलाइट्स एक साथ यहां पर लॉन्च किए जा चुके हैं। इसरो की ये नई उड़ान है, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें और अपने आप में ये तस्वीरें ऐतिहासिक है, और आप वहां पर मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं क्योंकि सफलतापूर्वक इसका प्रथम चरण जो है वो पूरा कर लिया गया है।